हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ज़ेनॉन डाइऑक्सीडिफ्लुओराइड की, अर्थात हम लोग देखेंगे XE O2 F2 की संरचना। यहाँ ज़ेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, 2 जुड़ेगा फ्लोरीन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, अर्थात एक लोन पर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इस तरह ज़ेनॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। ज़ेनॉन 2 ऑक्सीजन के साथ 4 लोन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 फ्लोरीन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मिलाकर 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 पाई बॉन्ड होने के कारण वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा। पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, जिसे हम लोग इस तरह से देखते हैं, ज़ेनॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है, इसलिए उसकी बात नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया ज़ेनॉन के पास, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। 5 के कारण sp3d। ज़ेनॉन डाइऑक्सीडिफ्लुओराइड का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल एक फ्लोरीन ऊपर और एक नीचे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण जब बात इसकी शेप की करते हैं तो वो एग्जैक्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं रह जाता है, बल्कि डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाता है।